At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University, where the goal is to get a job or to create a job. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। गोरखपुर में सावन के तीसरे सोमवार को गोरक्ष पीठाधीश्वर और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधियारी बाग स्थित मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक किया है। योगी ने भगवान भोलेनाथ को पुष्प बेलपत्र दही मिष्ठान अर्पित करते हुए लोक कल्याण की कामना की है। करीब 300 साल पुराने इस मंदिर का गोरखनाथ मंदिर से अटूट रिश्ता है, जिसकी स्थापना अनवल स्टेट के राजा मानसिंह ने कराई थी। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद इस मंदिर का पूरी तरह से कायाकल्प हुआ है। मंदिर देखने में बेहद ही खूबसूरत प्रतीत होता है, तो परिसर में पोखरी का जीर्णोद्धार कराकर इसे भी लोगों के लिए उपयोगी बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर दौरे पर पहुंचे थे और अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने बाबा भोलेनाथ को रुद्राभिषेक के साथ परिसर में चल रहे शिव महापुराण महाकथा में शामिल होकर लोगों को संबोधित भी किया। ऊधम सिंह नगर भ्रमण कार्यक्रम के तहत आज अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहियाढे पावर हाउस सभागार से प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों से वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में आपदा राहत के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी ली। साथ ही सभी आला अधिकारियों को संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के समय सभी अधिकारी अलर्ट पर रहें। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी प्रदेश की और किसी भी प्रकार की आपदा होने पर जल्द से जल्द आपदाग्रस्त लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। वहीं मुख्यमंत्री ने लोहियाढे पावर हाउस गेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी है कि मानसून सीजन चल रहा है। प्रदेश में मानसून के कारण कई स्थानों पर आपदा के हालात बने हुए हैं, जिस संबंध में समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियों जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग के दौरान आपदा की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी अधिकारियों को मॉनसून के दौरान आपदा की स्थिति में तैयार रहने के लिए निर्देशित किया गया है। और लगातार मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। जिले के सभी अधिकारियों को कहा गया है कहीं पर भी अगर कोई आपदा जैसी स्थिति बनती है अतिवृष्टि के कारण से किसी भी प्रकार की, तो तत्काल वहां पर मौके पर पहुंचे, लोगों को राहत के कार्य दें, लोगों की मदद करें और आपदा की स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए। और सभी जितने विभाग हैं वो सारे विभाग एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करते हुए और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए आपदा की स्थिति पर तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों को, प्रभावित लोगों को राहत देने का काम करें। और ये काम लगातार अभी जबकि मानसून अभी लंबा रहने वाला है, अभी शुरुआत हुई है, आज भी हमने इसको लेकर समीक्षा की है कुमाऊं मंडल के सभी। ऋषिकेश में IDPL के आवासीय कॉलोनी को खाली होने से बचाने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने भी कोशिश शुरू कर दी है। हरक सिंह रावत IDPL में चल रहे धरने के बीच पहुंचे। उन्होंने लोगों को कहा कि कांग्रेस उनकी मदद के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सरकार अगर जबरदस्ती कॉलोनी को खाली कराने का प्रयास करेगी तो उसका पूरा विरोध किया जाएगा। हरक सिंह रावत ने बताया कि सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे उस दौरान भी कांग्रेस ने किसी मुद्दे को लेकर उनके खिलाफ मां गंगा के तट त्रिवेणी घाट से मोर्चा खोला था और वो मोर्चा तब तक चलाया गया जब तक रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा। कांग्रेस अब फिर से IDPL के लोगों के सिर से सच बताने के लिए ऐसा ही कुछ करने का प्लान तैयार कर रही है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शनिवार को एम्स पहुंचकर चमोली हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों से बातचीत कर उनके परिजनों को ढांढस भी बंधाया है और भरोसा दिलाया कि घायलों के इलाज में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट शनिवार को पहुंचे। उन्होंने अस्पताल के ट्रामा वार्ड में भर्ती चमोली हादसे के घायलों से मुलाकात की। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। साथ ही अस्पताल प्रशासन सहित
उपचार कर रहे डॉक्टर्स की टीम से घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बर्न की वजह से बुरी तरह झुलसे घायल संदीप का हालचाल जाना। उन्होंने घायल संदीप और उनके परिजनों को ढांढस बंधाया और सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इसके बाद राज्य मंत्री दूसरे घायल सुशील को देखने गए। उन्होंने डॉक्टर्स की टीम से घायलों को दिए जा रहे इलाज संबंधी जानकारियां भी हासिल की है। देखिए, जो IDPL को खाली करने की जहां तक बात है, क्योंकि जिस तरह विभाग बता रहा है वन विभाग की लीज समाप्त होगी 2021 में, लेकिन आज झुकी झुकियां बसती हैं, इनको खाली कराने का एक तरीका होता है। और क्योंकि ये 50-60 साल से कोई 80 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो अगर आप खाली अगर खाली कराना हो। रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत रायवाला बाजार में फुटपाथ पर दुकान लगाने और रेहड़ी ठेड़ी वालों पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है, जिस पर प्रभावित लोग और पंचायत प्रतिनिधियों ने सख्त विरोध जताते हुए कार्रवाई को अन्यायपूर्ण कार्रवाई बताया है। स्थानीय रेहड़ी ठेड़ी वालों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ थाने पहुंचकर पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे प्रतीत नगर के ग्राम प्रधान अनिल कुमार ने कहा कि ग्राम प्रधान अनिल कुमार ने पुलिस प्रशासन को पंचायत को सहयोग करना चाहिए। रेहड़ी ठेड़ी वालों को रोजगार छीनने या चलानी कार्रवाई की बजाय उनके व्यवस्थित रोजगार की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। कई सालों से पंचायत की भूमि पर सड़क किनारे रेहड़ी ठेली लगाने वालों पर पुलिस कार्रवाई अनुचित है। मौके पर मौजूद जिला पंचायत सदस्य दिव्या बेलवाल ने कहा कि पहले पुलिस को खुद अपने परिसर और थाना गेट पर हुए अतिक्रमण को हटाना चाहिए। पुलिस ढाबों में शराब पिलाने वालों पर कार्रवाई नहीं कर रही है और रेहड़ी ठेली वालों पर फुटपाथ पर फल सब्जी अन्य दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का विक्रय कर जीवन यापन करने वालों स्थानीय गरीब लोगों को बेरोजगार करने की कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई की बजाय इनको व्यवस्थित करना ज्यादा जरूरी है। वहीं मंगलौर कस्बे में जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने अपनी टीम के साथ कस्बे में राशन दुकानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य पूर्ति अधिकारी के औचक निरीक्षण के बाद राशन डीलरों में खलबली मच गई। मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी ने राशन की दुकान बंद पाए जाने पर 2 राशन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों को सीज कर दिया। इसके साथ ही अन्य राशन दुकानदारों के दस्तावेजों की जांच की गई है। जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने कहा कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि मंगलौर क्षेत्र में राशन की दुकानें समय पर राशन वितरण नहीं कर रही है। शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए मंगलौर कस्बे में स्थित राशन डीलरों की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया, साथ ही उनके राशन वितरण रजिस्ट्रों की जांच भी और बकाया राशन की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही कहा कि मंगलौर कस्बे में 2 राशन डीलर की दुकानें बंद मिली, जिन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज किया गया है। कहूँगा कि लगातार हम हर महीने चेकिंग करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक शिकायतें मेरे पास आ रही थी, स्पेशली मैंगलोर एरिया से। इसमें ये कह रहे थे कि बायोमेट्रिक भी कम हो रहा है और लोगों को राशन में भी दिक्कत हो रही है, तो इसी क्रम में मैं आज फील्ड में आया था। और मंगलोर और रुड़की शहर में पाटली गुजर एक गाँव है, वहाँ पर 3 दुकानदार हैं हमारे, आबिद है और 2 दुकानदार और हैं, नाजिब करके हैं और एक और है, तो 3 दुकान हमारे उसके रुड़की के दाइश के थे। उनकी दुकानों पर चेकिंग की और यहाँ पर हमने एक रफ़ी है, खुशनसीब आलम है, शोभित है और एक लड़का और है रोहित नाम करके, खुशनसीब हाँ, तो इन सभी की दुकानों पर चेकिंग की थी, जिसमें से मुझे। और एक खबर मंगलौर से, जहां जलभराव की समस्या को लेकर मंडावली और नारसल खुद के ग्रामीणों के विवाद को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने निरीक्षण किया। दरअसल पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश से मंगलौर के मंडावली और नारसल खुद सहित गांव के जंगलों में बरसात का पानी भर चुका है, जिसकी निकासी को लेकर दोनों गांवों के ग्रामीणों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वही मामले का संज्ञान लेते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, साथ ही क्षेत्र का निरीक्षण किया जिससे पानी को निकाला जा सके और लोगों की समस्या को दूर किया जा सके। अभिनव शाह ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि निरीक्षण कर जलभराव की समस्या से निपटा जाएगा। देखिए, इसमें जल भराव की समस्या है दोनों गांवों में, तो उसके लिए दोनों साइड से नाले के खुदाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ कलवर्ट्स बंद थे तो वो खुलवा रहे हैं, आगे इसका जो भी समाधान होगा दोनों को बिठा के करेंगे। लेकिन सर, अगर हाँ, तो वही मैं अभी निरीक्षण करने जा रहा हूँ, अगर ऐसा होगा तो जो भी पानी कहाँ से निकल सकता है वो हम देखेंगे, तो उसकी निकासी करवाएंगे। बाकी जैसे कि आपको बताइए, प्राकृतिक आपदा है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, तो उस चक्कर में सभी जगह बहुत ज़्यादा पानी भरा है, सिर्फ मंडावली नहीं है, आप देखेंगे।
ऋषिकेश में आईडीपीएल की आवासीय कॉलोनी को खाली कराने पहुंचा प्रशासन के साथ ज्यादा पुलिस बल। आईडीपीएल कॉलोनी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हरिद्वार के रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। विरोध प्रदर्शन के चलते कई किलोमीटर तक रोड पर लंबा जाम लगा रहा। स्थानीय प्रशासन के साथ पुलिस बल हालात को संभालने में जुटी हुई है। वहीं एसडीएम, एटीएम और तहसीलदार, वन विभाग पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस बल मौके पर मौजूद है। आईडीपीएल कॉलोनी की आवास को एक एक कर ध्वस्त किया जा रहा है। जेसीबी मशीन के साथ तेजी से ध्वस्तीकरण का काम जारी है। और अब खबर विधानसभा थराली से, जहां सरस्वती शिशु विद्या मंत्री नारायण बगड़ में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख द्वारा विद्यालय के लिए भेंट किए गए कंप्यूटरों का आचार्य गणों, विधायक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, अभिभावकों की उपस्थिति में पूजा अर्चना सहित प्रमुख यशपाल सिंह नेगी ने रिबन काटकर कंप्यूटर कक्ष का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर विद्यालय कक्ष में नव निर्मित शिशु वाटिका का भी शुभारंभ किया गया और विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा उपस्थित अतिथियों को शिशु वाटिका में सजे मॉडल्स, ऐतिहासिक हस्तियों, धरोहर के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। वही सितारगंज महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ ट्रस्ट सितारगंज की नवीन कार्यकारिणी के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी रतनलाल गुप्ता की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ। सर्वप्रथम महाराजा अग्रसेन जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर चुनाव प्रक्रिया शुभारंभ किया गया। निवर्तमान कोषाध्यक्ष मनोज गर्ग ने 3 सालों के आय व्यय के लेखा जोखा के साथ हिसाब सभी ट्रस्टियों के मध्य रखा, जिससे सभी ट्रस्टी संतुष्ट रहे। निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने समाज का आभार व्यक्त किया। चुनाव अधिकारी रतनलाल गुप्ता ने बताया कि अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष पद के लिए एक ही आवेदन आया है और आवेदन की समय अवधि पूरी होने के बाद अध्यक्ष पद पर सुरेश सिंघल, महामंत्री पद पर सुरेश जैन, कोषाध्यक्ष पद पर कपिल मित्तल तीनों निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने सभी ट्रस्टियों का आभार जताते हुए विश्वास दिलाया कि ट्रस्ट हित में सदैव कार्य करेंगे और अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ समाज हित में करेंगे। चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है और आज तक के इतिहास में कभी चुनाव नहीं है, सर्वसम्मति से ही चुनाव होते हैं हमारे यहाँ और सभी ट्रस्टियों के सहयोग से, सभी के आशीर्वाद से हमें एक पद सौंपा गया है। तीनों को सुरेश जी अध्यक्ष बने हैं, मैं महामंत्री बनाऊँ, कपिल जी कोषा जी बने हैं। सभी ट्रस्टियों को विश्वास दिलवाता हूँ कि जो भी हमें सुझाव दिए गए हैं या हमें काम बताए गए हैं, पूरी भरसक कोशिश करेंगे, पूरी कार्यकारिणी के साथ लेंगे, सभी का साथ लेंगे, सभी का सहयोग। इस बार बरसात ने देश के कई राज्यों में अपना कहर बरपाया है, तो उत्तराखंड प्रदेश भी इस बरसात के कहर से अछूता नहीं रहा। मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हरिद्वार जनपद के क्षेत्रों में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। लक्सर, खानपुर, मंगलौर क्षेत्र में बाढ़ ने अपना जबरदस्त कहर बरपाया। आम लोगों के साथ साथ किसान भी पूरी तरह से बर्बाद है। अधिकतर खेती पर निर्भर किसान की फसलों ने जल की समाधि ले ली है। किसानों पर आफत बनकर टूटी बरसात ने किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बाढ़ की चपेट में आए कई गाँव के संपर्क मार्ग टूट चुके हैं। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाढ़ क्षेत्रों का ले रहे हैं, साथ ही उनको राहत सामग्री भी वितरित कर रहे हैं। अभी भी कई गांव में लोगों के घर जलभराव में डूबे हुए हैं, जिसके चलते लोगों के कई घर भी जमींदोज हो चुके हैं। बादलों पर छाई काली घटाएं देखकर किसान अभी भी सहमे हुए हैं। पीड़ित किसान सरकार से मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि किसी तरह उनके नुकसान का आंकलन कर सरकार को अवगत कराया जाए, ताकि पीड़ितों को कुछ राहत मिल सके। लेकिन प्रशासन के अधिकारियों को अभी तक पीड़ित किसानों का हालचाल जानने की फुर्सत नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री के सख्त आदेश हैं कि बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत मुहैया कराई जा सके। जो चेरी थी, पशुओं का चारा था, 100% खत्म हो गया जी, बिल्कुल 100% खत्म हो गया। और रही बात जब जीरो ग्राउंड की आपने की है, ये दो नाले निकलते जी, दो नालों के बीच का एरिया है पूरा, ये सैकड़ों बीघे जमीन है। हम पिछले 6 महीने से चिल्ला रहे जी ना नालों को साफ करवा दो, ये नाले अगर साफ होते तो ये हालत नहीं होती। अभी भी पानी नालों में, क्योंकि नाले हटे। रुद्रप्रयाग मुख्यालय स्थित रुद्राक्ष वेंडिंग पॉइंट में जनपद की महान 3 विभूतियों की याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी, विशिष्ट अतिथि मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद प्रसाद सिमल्टी, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी, कार्यक्रम के अध्यक्ष उप जिलाधिकारी मंजू राजपूत ने संयुक्त रूप से महान विभूतियों के चित्रों के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग और सरस्वती विद्या मंदिर बेलनी की छात्राओं द्वारा स्वागत गीतों की प्रस्तुति दी गई, साथ ही रुद्रा मंगल समिति द्वारा मंगल गीतों की सुंदरता प्रस्तुत भी की गई।
मुख्य अतिथि विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि कलश लोक सांस्कृतिक ट्रस्ट द्वारा हर साल रुद्रप्रयाग में इन महान पुरुषों की याद में कार्यक्रम किया जाता है, जो कि बहुत ही सराहनीय कोशिश है। उन्होंने पर्यावरणविद जिम कॉर्बेट, क्रांतिकारी देव सुमन और हिंदी साहित्य के पहले दिलीप डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवाल द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों में हम सभी को प्रेरणा लेने की अपील की है। साथ ही साथ मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद प्रसाद सिमल जी ने कहा कि कलश संस्था द्वारा जिम कॉर्बेट और श्रीदेव सुमन स्मृति समारोह में गरीब मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा काम है। संस्था के द्वारा जो आज यहाँ पर मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है, जिम कॉर्बेट के समारोह को लेकर के भी ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। इसमें श्री बासवानंद मैखुरी जी की स्मृति में उनके पारिवारिक जनों के द्वारा मेधावी छात्रों को जिनकी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति देखिए, आज कलश चैरिटेबल जो ट्रस्ट है, हर वर्ष की भांति उन्होंने यहाँ पर जिम कॉर्बेट, श्रीदेव सुमन और पीताम्बर बड़थवाल जी की स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। निसंदेह ये तीनों जो हैं उत्तराखंड की महान विभूतियां हैं, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में इस उत्तराखंड की। ऋषिकेश में योग नगरी रेलवे स्टेशन से भारत गौरव यात्रा के तहत रामकथा यात्रा का शुभारंभ होगा। इसके लिए यहां से जुगनू ट्रेनें रवाना हुई हैं, जिनमें यात्री तीन धामों के अलावा 11 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कर सकेंगे। यात्रा के शुभारंभ की तैयारियों का जायजा शनिवार को रेलवे स्टेशन के VF राजकुमार सिंह रेलवे स्टेशन पर जाकर किया। योग नगरी रेलवे स्टेशन से इन दो ट्रेनों को रवाना किया गया है। इन दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने और कथावाचक मुरारी बापू ने रवाना किया। इस दौरान ट्रेनों में लगभग 1008 लोग यात्रा कर रहे हैं। ये ट्रेन 18 दिन में 11,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ट्रेनों का अंतिम तीर्थ स्थल द्वारका होगा। यात्रा के शुभारंभ समारोह के लिए पुष्कर सिंह धामी को आना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, जिनकी जगह उनके प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड ने कमी पूरी की। मुरारी बापू ने बताया कि यात्रा एक अपने आप में सबसे अलग यात्रा होगी, जिसको लोग सालों तक याद रखेंगे। बड़ा समागम यहाँ पे हुआ है और कोई एक अद्भुत एक जो यात्रा निकली है आज आपके नेतृत्व में, क्या ये यात्रा है, क्या इसका उद्देश्य है और कब से कब तक ये यात्रा रहेगी, कहाँ कहाँ जाएगी? बस परसों केदार से शुरू हुई, कल विश्वनाथ में करेंगे। तो ये 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग है, वहाँ भगवान की कृपा छाया में हम एक एक दिन की कथा करेंगे। और हमारे ऋषि मुनियों ने किसी न किसी शुद्ध साधन के द्वारा सबको जोड़ने का प्रयत्न किया, सेतु बनाने का प्रयत्न भगवान राम ने किया, जगतगुरु शंकराचार्य ने। हरिद्वार में आने वाले 29 जुलाई को होने वाले मोहर्रम के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने को लेकर हरिद्वार पुलिस ने खाका तैयार कर लिया है। आने वाले 29 जुलाई को मोहर्रम के त्यौहार को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ चौकन्ना हो गया है। कोतवाली, रानीपुर के पंचपुरी, गढ़मीरपुर सहित प्रत्येक थाना स्तर पर लोगों के साथ समीक्षा बैठक कर हालात जाने और दिशा निर्देश SSP हरिद्वार अजय सिंह की ओर से दिए गए हैं। मुहर्रम के पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। साथ ही पुलिस उन गाँव को चिन्हित कर रही है जिन गाँव में पहले मुहर्रम पर जुलूस निकालने को लेकर विवाद हो चुके हैं। इस साल मुहर्रम के जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न हुए, इसके लिए पुलिस ने पुराने रजिस्टर भी खंगालने शुरू कर दिए हैं। वहीं SSP हरिद्वार अजय सिंह ने सभी थाना और CO स्तर पर गांव शहर में जहां जहां मुहर्रम के पर्व को लेकर जुलूस निकाले जाते हैं, गाँव के गणमान्य लोगों के साथ समीक्षा बैठक कर नियम कानून विचार साझा किए, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व किसी तरह की अशांति न फैलाए। अगर हम आपस में यहाँ बात करते रहेंगे और आगे हम इस बात पर नहीं बढ़ेंगे तो ये उनकी जिम्मेदारी ना होगी, हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अगर कोई विद्युत विभाग से हमें कोई जिम्मेदारी है तो हम उसे लिखेंगे, लिखित में लिखेंगे, 4 सम्मानित सदस्य उस पर अपने हस्ताक्षर करें, नाम पता लिखें और उसके बाद चौकी इंचार्ज साहब को दे दें। चौकी इंचार्ज साहब के साथ जाके उन एक्शन साहब को या सिंचाई विभाग के या PWD के इन लोगों को हम लोग बुलाएंगे और या इनके पास जाकर हम इनसे बातचीत करेंगे। अगर इस बार इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया तो कम से कम आगे तक के लिए तो हम अपने आप को सुनिश्चित करेंगे कि हमारा काम ठीक से हो जाए। वो मुहर्रम का इसमें है और इसमें जो देखा गया है कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो है जुलूस आदि भी निकलते हैं, इसको देखते हुए विभिन्न पक्षों की इसमें मीटिंग के लिए सभी थानाध्यक्ष को बताया गया है और चूंकि शांति व्यवस्था बनी रहे सभी पक्षों को इसमें निर्देश जारी कर दिए गए और मीटिंग के लिए सभी थाना स्तर पर और CO स्तर पर।
पौड़ी जिले में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब एडीजी कोर्ट कोटद्वार में अंकिता के परिजनों की तरफ से अधिवक्ता अवनीश नेगी पैरवी करेंगे। दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजनों की मांग पर विशेष अधिवक्ता नियुक्त किए गए जितेंद्र रावत की जगह अब कोर्ट में अवनीश नेगी गुनहगारों को सजा दिलाने का काम करेंगे। अवनीश नेगी पूर्व में एडीजी जीसी पौड़ी रह चुके हैं और उन्हें वकालत का लंबा अनुभव है। और उत्तराखंड की जनता के द्वारा मेरे ऊपर विश्वास जताया गया है, मैं उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और अपने स्तर से भरपूर कोशिश और मजबूत पैरवी इस केस में करूंगा ताकि जो अभियुक्तगण हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। और मैं इन दिनों बारिश का कहर जमकर तांडव मचा रहा है, जगह जगह सड़कें टूट रही हैं और नदी नालों में पानी उफान पर है, तो लोगों के घर आंगन खेत खलियान और पैदल रास्ते भी भूस्खलन के चपेट में आने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा। ताजा खबर, बदी रात राष्ट्रीय राजमार्ग गौचर नगर के पास कमेड़ा नामक स्थान पर पहाड़ दरकने से पूर्ण रूप से यातायात के लिए अवरुद्ध हो गया। बताया जा रहा है कि जिस तरह से पहाड़ से लगातार मलबा पत्थर गिर रहे हैं, वहीं सड़क मार्ग को खोलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। दूसरी ओर गौचर में ही रेलवे टनल के लिए जाने वाली सड़क ढह गई, जिसके किनारे खड़े कई वाहन इसकी चपेट में आकर नीचे खाई में जा गिरे और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत यह रही है कि ये वाकया रात में हुआ, जिससे जानमाल के नुकसान होने से बच गए हैं। वहीं गाजियाबाद के हिंडन बैराज में ज्यादा जलस्तर बढ़ने की वजह से गाजियाबाद के ग्राम कनावनी में डूबे क्षेत्र में लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण पानी लोगों के घरों में घुसना शुरू हो चुका है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इंदिरापुरम पूर्व के अध्यक्ष प्रवीण नागर द्वारा जलभराव की स्थिति का जायजा लिया गया, जिसमें सभी पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया गया है कि जो भी संभव मदद हमारी तरफ से हो पाएगी वो हम करेंगे। साथ ही साथ फोन नंबर भी दिए गए हैं ताकि उनसे संपर्क साध सके, वहीं एक दूसरे का सहारा बने क्योंकि ये जरूरी भी है। ऐसी लगातार यहाँ पर एक कहें कि एक पैम्पलेट्स भी बांटे जा रहे हैं, साथ ही साथ संपर्क भी साधे जा रहे हैं ताकि वहाँ जो लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं उन पे किसी तरह की कोई आफत ना आए और वक्त रहते वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण नागर भाई। प्रवीण नागर जी, हिंडन नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ता दिख रहा है, उसमें लेकर आपने अभी निरीक्षण किया है, क्या कुछ मामला है और किस तरीके से आप लोगों की मदद करना चाहें? हमने दोपहर के बाद में हम निरीक्षण करा था, कम से कम 2-2.5 फुट पानी बढ़ चुका है जी। दो मकान इसमें अभी डूब गए हैं, दो मकान डूब चुके हैं उनके बेचारे के। अभी हम गए थे उन्हें पीड़ित परिवार से मिले, हम उनसे बातचीत करी उनके। मणिपुर हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला, पीड़ितों को इंसाफ दिलाने और दोषियों को फांसी की मांग उठाई है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा है, कहा कि अगर चुनाव से पहले मोदी जी इस्तीफा नहीं देते तो लोकसभा चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। आपको बता दें कि मणिपुर में दो महिलाओं को हजारों की भीड़ ने नग्न कर घुमाया था, इस घटना ने पूरे देश में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दल इस घटना को लेकर मोदी सरकार को घेर रही है, मणिपुर सरकार से इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति शासन की मांग उठा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी मणिपुर हिंसा को लेकर कैंडल मार्च निकाला, बीते शनिवार की रात संभल के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी और विधायक सुहेल इकबाल के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मणिपुर हिंसा को लेकर कैंडल मार्च निकाला। इस संख्या में महिलाएं और तमाम बच्चियां भी शामिल हुई हैं, साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। लेकर जो आपने कैंडल मार्च निकाला है, दोषियों को लेकर क्या आपकी मांग है? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को मणिपुर कांड को लेकर के कैंडल मार्च निकालने का जो आदेश दिया है, तो हम लोगों ने कल चंदौसी में, आज संभल में और कल हम लोग उन्नौर में कैंडल मार्च निकालने का काम करेंगे। हम तो यही मांग करेंगे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग ये मांग करते हैं जिन लोगों ने, जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए और जो पीड़ित परिवार है। संभल में स्वास्थ्य महकमे में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है, ओपीडी से डॉक्टर्स गैर हाजिर हैं, फर्श पर मरीज बैठे हैं और डॉक्टर्स का इंतजार करते रहते हैं। सुबह 11:30 बजे तक भी ओपीडी में कोई भी डॉक्टर नहीं दिखाई देता, डॉक्टर्स के नहीं होने से इधर उधर मरीज भटकते हुए नजर आ रहे हैं। संभल के जिला संयुक्त चिकित्सालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और थराली से खबर सामने आ रही है, जहां पर दर्जनों ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जाने वाली सड़कें थराली बाजार से कुछ ही दूर
प्राणवती गांव के पास पहाड़ भरभराकर टूटने से यहां का यातायात दोनों तरफ से ठप हो गया है। हालांकि यहां पर देर रात से ही सड़क बंद थी, लेकिन जैसे ही सुबह सड़क खुलने की आशा में वाहनों की आवाजाही हो रही थी कि पहाड़ का बड़ा हिस्सा पेड़ मलबा पत्थरों के साथ यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पेड़ पौधे मलबा यानी कि पूरा का पूरा पहाड़ इतना ज्यादा था कि जैसे कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, देखते ही देखते वो पूरी तरह से नीचे आया, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है, दोनों ओर आवाजाही बंद है। प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर के नाम से ग्राम प्रधान के द्वारा मानक के अनुसार अमृत सरोवर पर नहीं किया जा रहा काम, जिससे ग्रामीणों में रोष है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ग्राम पंचायतों में सौंदर्यीकरण के नाम पर अमृत सरोवर तो कहीं खेल का मैदान तो कहीं डिजिटल इंडिया के नाम से कई प्रकार की योजनाएं चला रही है, लेकिन ग्राम प्रधान की खाओ कमाओ नीति के चलते ग्राम पंचायतों में घोटाले करने से नहीं चूकते हैं, जिसके चलते ग्राम पंचायत के ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है, क्योंकि ग्राम पंचायत में मिलने वाली योजनाओं के नाम पर ग्राम प्रधान के द्वारा लंबा घोटाला किया जा रहा है। अगर विकासखंड करहल क्षेत्र की ग्राम पंचायत रउआ की बात करें तो यहाँ पर प्रदेश सरकार की मंशा अनुसार अमृत सरोवर बनाया जा रहा है। अमृत सरोवर का उद्देश्य है कि नीचे गए जलस्तर को ऊपर उठाया जा सके। अगर तालाब में पानी रहेगा तो ग्राम पंचायत में जलस्तर भी बढ़ेगा और उसका लाभ जानवर भी उठा सकेंगे, जहां पर ग्राम प्रधान के द्वारा किसी भी मानक के अनुरूप काम नहीं किया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।